आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। यह वीडियो खासकर यूपी टीईटी 2019 के लिए अपडेट किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सबकी सूची आज तक जैसे पेंडिंग पड़ी हुई है, उस तरीके से लापरवाही ही कहा जा सकता है। आप लोगों को विशेषकर यह बात ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि जो रिजल्ट जारी हुआ है, जो और जारी हो रहा है, और आई कोर्ट की तरफ से जो नंबर इशू किए गए हैं, उसके लिए मुख्य रूप से आप सबको तैयार हो जाना चाहिए और मिलकर इसको निपटाकर अपना सूची में नाम डलवा कर और सूची में नाम डलवा कर आप लोग अपना रिजल्ट ले लें, ठीक है। जैसे कुछ 2019 के कुछ लोगों का सवाल था, बीएड के जो जितने भी छात्र थे वो उन्होंने पूछा था, तो आप सबको न्यूज़ तो बहुत पहले मिल गया होगा, पेपर ऊपर अखबारों में कोर्ट का आदेश आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि बीएड के अभ्यर्थियों को रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सरकार ने बीएड को बाहर किया था, इस सरकार ने, ठीक है। तो लोगों के अंदर संशय है कि रिजल्ट हम लोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो रिजल्ट 100%, वो मैंने पहले भी बताया था कि रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। तो बीएड अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, रिजल्ट लें कि ना लें, ऐसे कंडीशन में आप लोग ये गलती मत करिएगा कि हम रिजल्ट लेंगे नहीं, रिजल्ट लीजिए। रीजन समझिएगा क्या है कि आज ये सरकार है, इसने बीएड को बाहर कर दिया है, तो हो सकता है जो नेक्स्ट कोई सरकार चेंज होती है, और सरकार चेंज होती है फिर सरकार का कुछ नियम अगर बदलता है, बदलाव होता है नियम में, तो बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो आपके पास यूपी टीईटी का रिजल्ट आपके पास है वो आपके काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक निर्णय है कि रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो यूपी टीईटी के 2019 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं मुख्य रूप से ध्यान दें। और हाँ, जैसे ग्रुप में सिर्फ लोग पड़े हुए हैं, और आप सबको ये ध्यान देना होगा कि यह पूरा मामला कॉमन ऑर्डर का नहीं था, ये पेटिशन पे जो नंबर इशू हुआ है वो ग्रेस मार्क आपको मिला है। तो यूपी टीईटी 2019 के लोग इतना सोए पड़े हैं, इतना भयंकर सोए पड़े हैं कि आज तक ये क्लियर ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि ये मतलब इस पर आगे की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लोगों को मतलब ही नहीं है, लोग अपने अपने घरों में बस आराम से सोए हैं। तो जितने लोगों का मतलब जमा करना है कि हाँ हमें लेना है, अब चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप लोग एक्टिव होकर सिर्फ इतना करना है कि यूपी टीईटी ग्रुप को, ग्रुप जो तीन ग्रुप बने हैं 2019 वाले, ठीक है, तो 2019 वाले में सिर्फ आप लोग इतना लिख के डाल दीजिए कि जिसको भी रिजल्ट लेना हो यस लिख के डाल दें और तत्काल एक्टिव हो जाए। क्योंकि इस समय वकील साहब से हमारी मैसेज पर बात हुई, वकील साहब ने कहा कि तत्काल ही 2019 वाली सूची कंप्लीट करके आयोग को सौंप देनी है, तो थोड़ा कंपलसरी है, बहुत अर्जेंट ये कार्य करना है। तो इसलिए जो भी सूची बनवानी है, जो भी एक्टिव होना चाहते हैं, और जो लोग एक्टिव नहीं है कि हमें कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है, हमें भी कोई मतलब नहीं है, सीधा सा फंडा है। जब आपको रिजल्ट लेना आपको मतलब नहीं है तो हमें क्यों मतलब है। और ये श्योर है, जितने लोग एक्टिव होंगे उनकी सूची बनेगी, जितने लोग एक्टिव नहीं होते हैं नहीं सूची बनेगी। मैं एक दो दिन लगातार इस सूची को बनाने का प्रयास करने जा रहा हूँ, और वो उन लोगों की सूची बना के कम्प्लीट करके आयोग को सौंपी जाएगी। तो आप लोग मतलब बिना देर किए तत्काल इस पर ध्यान दीजिएगा। यह इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली 19 के लिए बनाया, 19 के लोग एक्टिव नहीं रहते, ये एक बड़ी समस्या है, इसलिए स्पेशली वीडियो बना के ये आपसे अपील रखी जा रही है। जो भी, और ग्रुप को मैं जल्दी ही डीएक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। तो जितने लोगों का मैसेज आता है उतने लोगों को ग्रुप में रखा जाएगा, जिनका नहीं आता है उनको ग्रुप से बाहर किया जाएगा तुरंत, जो लोग मैसेज नहीं डालते हैं। फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके आगे आप लोग समझिएगा। धन्यवाद, और ध्यान रहे, 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण करनी है। धन्यवाद।